अल्लाह का शुक्र है इनका पेस और इनकी क्वालिटी और इनकी डीलिंग बहुत अच्छी है, अप्रिशिएबल है, और इनका जो डिलीशियस खाना होता है, नाश्ता होता है, वाकई हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा है। पहलों दिन उपड़ा हो प्याले च मारो ना अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ तारकाबाद, फैसाबाद का इलाका है ये तारकाबाद। यहाँ पे शाहजी का नाश्ता बहुत ही मशहूर है, बोंग पाए का नाश्ता ये लगाते हैं और तकरीबन 25 साल से ये नाश्ता यहाँ पे लगा रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत रश होता है लोगों का, तो हमने कहा चले देखते हैं शाहजी का नाश्ता है कि वो क्या चीज़ है उसमें कि इतना लोग खींचे चले जाते हैं इस नाश्ते के लिए। नाज़रीन, इस बर्तन में पड़े हुए बड़े बोंग और पाए के पीसेज आप देख रहे हैं और इनका कलर देखें, ऐसी लाजवाब रंगत और टेक्सचर है इसका और इतनी खुशबू है प्यारी कि बाज़ार में गुजरने वाला कोई भी शख्स इसकी खुशबू से अपने आप को बचा नहीं सकता और वो खींचा चला आता है नाश्ते के लिए। यहाँ पे कुछ भाई नाश्ता कर रहे हैं, आइए उनसे पूछते हैं कि उनको कैसा लगता है जायका शाहजी का। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, आपने क्या चीज़ मंगवाई है? हमने बोंग मंगवाए हैं और पाए मंगवाए हैं। बोंग और पाए, तो आप यहाँ नाश्ता अक्सर करते हैं या रेगुलर करते हैं? शाह नाश्ता काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं। रेगुलर नाश्ता करते हैं? हाँ जी, रेगुलर नाश्ता करते हैं। अच्छा, सही। इस एरिया में नाश्ता तो और भी बहुत से लोग लगाते हैं, तो स्पेशली इसमें क्या चीज़ है इस नाश्ते में? शाह साहब की स्पेशलिटी जो है वो यही बोंग पाए है, जो काफ़ी लोग दूर दराज से खाने के लिए आते हैं। और दूसरी बात यह है कि इनके मसाला जात और इनके जो मामला हैं बिल्कुल मुनासिब होते हैं। आप चले, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा कि लोग शाहजी के नाश्ते के किस कदर दीवाना हैं, वो दूर दराज से यहाँ सिर्फ नाश्ते के लिए आते हैं और उनका यह कहना है कि शाहजी जो मसाला जात जो इन्ग्रीडियंट्स इस्तेमाल करते हैं और जिस तरीके से करते हैं उनका जायका लाजवाब है और वो हमें कहीं और पे नहीं मिलता, इसीलिए हम रेगुलर यहाँ नाश्ते के लिए आते हैं। नाज़रीन, बोंग और पाए के अलावा शाहजी के चने भी बहुत मशहूर हैं और बहुत से लोग चने लेने के लिए यहाँ आते हैं। आप ऊपर अंडे और कोफ्तों की प्लेट्स देख रहे हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अगर वो डिलवाना चाहें तो वो भी डिलवा सकते हैं। जी
400 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
ये बॉम्ब है। हाँ जी बॉम्ब। ਪਾਇਆ ਲਾਦਾ ਪਕਾਈਦਾ ਨੇ ਬੋਂਗ ਲਾਦਾ ਪਕਾਈਦਾ ਸਹੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿਓ ਸ਼ੋਰਬਾ ਡਾਏ ਉਹ ਸ਼ੋਰਬਾ ਲਾਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਬੋਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਛਲੀਆਂ ਪਾਏ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਲਾਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਕੋ ਕਿਤਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲਗਾਤੇ ਹੋਏ ਯਹਾਂ ਪੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਰ ਮਨੋ 24-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੋ यहाँ पे इस इलाके में सबसे ज़्यादा रश आपके पास होता है जी, इसकी क्या वजह है? क्या कोई जादू वगैरह करते हैं या कोई जायका है आपका? इसकी यही वजह है कि होश एक नंबर का गोश्त है ना, जो पाए वगैरह मछलियाँ एक नंबर है। सही। मतलब असी बीमार गोश्त नहीं लाना, चार मत्ता गोश्त माशाल्लाह, यही वजह ईमानदारी और खालिस चीज़ इस्तेमाल करते हैं, गोश्त अच्छा लेके आते जी जी गोश्त अच्छा लेके आते। वो बाजार के पाए हम नहीं लेके आते, जिस जानवर का गोश्त लेते हैं उसी जानवर के पाए नहीं लेते। सही। और ये पाए और बोंक का रेट एक ही है? एक ही रेट है जी। कितने की एक प्लेट या एक प्याला जो है वो? वो तो देखें जी 300 से लेके चाहे तुम 1000 रुपये का बनवा लें। सही। 300 का प्याला है। नाज़रीन आपने देखा शाह जी का कहना है कि 300 रुपये का प्याला है और अपनी मर्ज़ी है, कोई बंदा अगर 1000 का भी बनवाना चाहे तो वो भी बनवा सकता है, उसमें फिर नलियां और अजाफी पाए और मोंग डाली जाती है। 300 का प्याला जो है दो बंदे आराम से उसे नाश्ता कर सकते हैं। तो नाज़रीन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। और अगर आप फैसलाबाद आते हैं और इस एरिया में आते हैं तो नाश्ता शाह जी का आपने लाजमी करना है और कमेंट्स में बताना है कि ये नाश्ता आपको कैसा लगा। दुआओं में याद रखिएगा। आपसे इजाज़त चाहूँगा, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।